नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अगेन आ चुकी हूँ मैं एसआर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट जो कि हिलालपुर में रहने वाला है, आप लोगों के लिए फुल कवरेज लेकर आए हैं। साइट के बारे में ज्यादा डिटेलिंग में बताएंगे हमारे एमपी सिंह जी। देखिए, ये हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये दिल्ली मुंबई के लिए जा रहा है कनेक्टिंग रोड, और हम अरावली के साथ साथ ही निकल रहे हैं और हमारी साइट को कनेक्ट करने के लिए। देखिए, अभी हम आपके साथ में ना पहुंच रहे हैं घाम डोज टोल। ये 16 लाइन का टोल है और ये टोल सीधे आगे ले जा करके हमारी साइट को कनेक्ट कराएगा दिल्ली मुंबई को, डीएमआईसी को। तो देखिए, ये टोल है और इस टोल से हम अपनी साइट को जाते हैं। देखिए, अभी हम पहुंच गए हैं सोना से डीएमआईसी के लिए। अब ये जो टर्निंग बताती है, ये ले जाती है डीएमआईसी पे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के ऊपर। और नीचे से जब हम चलते हैं, ये सोना और नू रोड होता है जो आगे जा करके होटल की तरफ चला जा रहा है। तो अभी हम ऊपर की साइट को स्किप करते हैं, हम आपको ले चलते हैं सिटी एरिया से। ये देखें, ये आपका ट्रैफिक रेस्ट रूम है और इस पर क्या है कि पूरी रिंग बनती है दिल्ली से। दिल्ली की ट्रैफिक उतरती है, गुड़गांव की ट्रैफिक उतरती है और ट्रैफिक रेस्ट पे आती है। सोना के सेक्टर 36 में एंट्री मारे हुए हैं और ये इन्फिनिटी है, सिग्नेचर ग्लोबल की इन्फिनिटी है जो हमारी साइट से बिल्कुल लगी हुई है, क्योंकि हमारी भी साइट जो है 36 और 37 सेक्टर के साथ में क्लोज होती है। देखिए, हमारे लेफ्ट साइड को के आर मंगलम यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपके हायर क्लास के बच्चे एजुकेशन के लिए आते हैं। और लेफ्ट के साथ अगर राइट को देखेंगे तो एल्डिको के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और इसी के साथ ही लगा हुआ सोना का सबसे पहले सिटी एरिया होने वाला है, जो सिटी है वो मिल जाती है आपको। देखिए, अभी ये जो रेड लाइट है ना, ये रेड लाइट सोहना की रेड लाइट है, फर्स्ट रेड लाइट है। और अगर हम लेफ्ट को लेते हैं तो हमारी मंडावर सोसाइटी मिल जाती है और ये हो करके गुजरती है अंदर से, जहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स के हाई राइज सोसाइटीज हैं और सेक्टर 4 और 28 का आर जोन की एरिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी मंडावर सोसाइटी जो है वो इसी रूट पे पड़ती है और आर जोन से कनेक्टेड है। ये सोहना का बस स्टैंड है और पुरानी तहसील, सोना में जो पुरानी तहसील हुआ करती थी वो इसके अंदर मिलती है और सामने से बस स्टैंड मिला करता है। और अभी क्या हुआ है कि सोना में तहसील छोटी पड़ रही है, इसलिए एक न्यू तहसील भी बन करके रेडी हो गई है। पूरी कोर्ट है, वो न्यायपालिका जो है वो आगे हो जाती है और ये सब तहसील है। ये थाना सोना सिटी है और इसके साथ में देखिए एक बड़ी अच्छी सी अस्पताल है, विनायक हॉस्पिटल, जो बड़ी हॉस्पिटल है। और बात करें तो इसी तरह यहाँ पर आपके पेट्रोल पंप की एरिया है, यहाँ पर बैंक एरिया है और शॉप्स एरिया है। और ये अभी स्पेस के हिसाब से गुड़गांव की तरह से सोना डेवलप कर रहा है और साथ में हमारी साइट कनेक्ट कर रही है। तो लो इन्वेस्टमेंट हाई एप्रिसिएशन के लिए आप हमारी साइट को कनेक्ट कर सकते हैं, हिलालपुर प्रोजेक्ट। हम अभी पहुंचे हुए हैं सोना कोर्ट के पास में, वो तहसील है पीछे और ये न्यायपालिका है सोना की, और जो गुड़गांव जिले से कनेक्ट करती है। और जब ग्रेटर गुड़गांव बनेगा तो ये अपने आप में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की न्यायपालिका बनने वाली है। तो अभी हम देखे पहुंचे हुए हैं तावड़ू फरीदाबाद रेलवे, जो कि ये अभी फ्रेट कॉरिडोर है और ये कॉरिडोर हमारी साइड से मात्र 3 किलोमीटर आगे से होकर के गुजर रहा है, जहाँ की इसका रेलवे स्टेशन भी आता है। आगे ये पैसेंजर रूट भी बन जाएगा क्योंकि ये ब्रॉड गेज होने वाली है। तो आप देखें कि हम रेलवे स्टेशन को भी कनेक्ट कर रहे हैं, कोर्ट को भी कनेक्ट कर रहे हैं, एजुकेशनल हब को भी कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में हमारी साइट जो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और आप आए। और हम ऐसे धीरे धीरे करके आपको इस अपने प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं हम इसी तरह आगे बढ़ करके। देखें, ये आपको केएमपी पे ले जाती है, पलवल ले जाती है और फिरोजपुर झिरका की तरफ ले जाती है, और आगे जो है ये नुहू तहसील को भी कनेक्ट कर देती है। तो अब हम स्टार्ट होते हैं सोना आईएमटी। सोना आईएमटी में आपका वेलकम है
और हम HSICDC के नजदीक पहुंचने वाले हैं, और अभी हम इसी सीरियल में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको सोना की IMT दिखाते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया मानेसर के अगेंस्ट बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, और अभी वो और आगे बढ़ने वाली है। जैसे कि सर ने आपको रास्ते में प्रॉपर लोकेशन समझाई थी, ये है हमारे MP सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी। आपने बहुत अच्छे से हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करा कि कैसे वो इस साइड पर आ सकते हैं, क्या क्या बीच में कनेक्टिविटी रहने वाली है। गाइस अब तो सर इस लोकेशन के बारे में कुछ और बताइए। जी मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी हम जब लोकेशन पे आना शुरू किए थे तो आपको एक वीडियो के साथ कनेक्ट किया था, एक नोक के साथ कनेक्ट किया था, तो वो टर्निंग कहलाती है सोना टू एंड्री। और उसी के साथ साथ हमने आपको सोना की IMT औद्योगिक क्षेत्र से भी जोड़ने की कोशिश किया था। वो किसके लिए? कि आप यहाँ तक पहुंचे, कैसे आए, आप हमारे प्रोजेक्ट तक कैसे आए, तो आप ऐसे हमारे प्रोजेक्ट तक आ सकते हैं। और हमारे प्रोजेक्ट पर आने के लिए मैंने आपको दिखाया कि रास्ते में उदाका पड़ता है, आटा गांव पड़ता है, साथ में रेलवे कॉरिडोर नजदीक से जा रहा है। उसके बाद हमने बताया आपको कि हमारे पास एक रिंग रोड बन रहा है, रिंग रोड साइड से निकल रहा और इंड्री तहसील तक यह रोड सोना से लेकर के और यहाँ तक कनेक्ट करता है, और तहसील से हमारे यहाँ तक कनेक्ट कर लेता है। बिल्कुल, बहुत ही राइट दोस्तों। कई बार आप हमें जब कॉल्स करते हैं तो आपकी क्वेरी ये होती है कि आपकी लोकेशन किस साइट पे है, कैसे यहाँ पर आना होगा, इसलिए सर ने सोचा कि आपके इन सवालों का जवाब दिया जाए। बात कर लेंगे कि यहाँ पे कैसे आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लान क्या रहने वाला है, तो सर एक बार प्लीज वो भी ब्रीफ कर दीजिए। जी, अब अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ आपको प्लॉट लेना है, तो प्लॉट लेने के लिए जो इनिशियल शर्त है, फाइनेंशियल क्वेश्चन मैम ने किया हुआ है, तो मैं आपको रिपीटेड बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्लॉट लेने के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि एक टोकन अमाउंट के साथ में आप मेरे साथ एक फ्रेंडशिप बनाए, और आफ्टर देन 30% पेमेंट के साथ में आप हमारे पार्टनर बने, और रिमेन पेमेंट 70% जो बचती है उसे आप 2 साल की इंटरेस्ट फ्री EMI के साथ में कंप्लीट करके आप हमारे कंप्लीट ओनर पार्टनर बन सकते हैं। जी, तो देखा सर ने कितनी आसानी से आपको बता दिया है। दोस्तों दो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल रहे हैं, आपको 1 रुपया भी ब्याज का किसी को नहीं देना है, ना ही किसी को ब्रोकर चार्ज देना है। जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो तो जो व्यक्ति आपसे इंट्रो कराता है वो भी कुछ परसेंट आपसे लेता है, और जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो भी कुछ परसेंट आपको यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन SR डेवलपर की यही खासियत है, यहाँ पे आपको किसी को भी एक्स्ट्रा मनी नहीं देनी है। रही बात कि हमारे प्लॉट किस किस तरीके से वेरीफाई हैं, तो गाइज ये RWA से कन्वर्ट कराए हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपको पक्की रजिस्ट्री विद नोटेशन मिलने वाली है, दाखिला खारिज है। आप आइए, अपनी सारी क्वेरी को सॉल्व कीजिए, हमारे ऑफिस में बैठिए, बकायदा हमसे रजिस्ट्री सेटिस्फाइड जो कस्टमर की रजिस्ट्री हमारे पास है वो डॉक्यूमेंट आप देखिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। सो गाइज ये थी हमारी 90-day चैलेंज की 7th day की वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ना देना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।